हाँ तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग केमिस्ट्री के एक सबसे बेसिक टॉपिक्स के बारे में, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये केमिस्ट्री में हमारे जितने भी टॉपिक्स होते हैं इसका सबसे बेसिक है और ये बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प देता है। तो इसे हम बहुत ही ईजी मेथड से में पढ़ेंगे कि एसिड बेस और सॉल्ट होता क्या। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है। तो एसिड आर कंपाउंड विच टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जो ब्लू लिटमस पेपर, जो लिटमस पेपर होते हैं उसको ब्लू लिटमस पेपर को वो कन्वर्ट करते हैं रेड में। वाइल बेसिस आर द कंपाउंड विच टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। और बेस एक ऐसा कंपाउंड है जो टर्न्स करते हैं रेड लिटमस पेपर को ब्लू में। बस यहाँ पे मैंने वही लिखा है, एसिड ब्लू इंटू रेड एंड बेस रेड इंटू ब्लू। उसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका से हम याद कर सकते हैं, एसिड के सबसे लास्ट जो इसमें लेटर है वो डी है और यहाँ पे जो कन्वर्ट होते हैं ब्लू इंटू रेड, यहाँ रेड के भी लास्ट में डी है। याद करने के लिए बहुत ही सिंपल, एसिड के लास्ट लेटर जो है डी, यहाँ ब्लू इंटू रेड, इसके भी लास्ट लेटर कौन से है डी, यानी ये आसानी से याद हो जाएगा कि एसिड जो ब्लू लिटमस को पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं और बेस के लास्ट लेटर में ई और यहाँ रेड इंटू ब्लू, ब्लू के भी लास्ट लेटर में ई, यानी बेस जो होता है रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट करता है। इसको बहुत आसानी से याद करने के लिए ये छोटा सा एक ट्रिक है। तो ये तो हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट था कि एसिड होता क्या है और बेस होता क्या है। लेकिन एसिड और बेस को एक अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए और उसी कॉन्सेप्ट को हम बारी बारी करके पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट के बारे में चलते हैं जो बहुत एक फेमस साइंटिस्ट ने बताया था, एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट के द्वारा इसको एक्सप्लेन किया गया था। उस कॉन्सेप्ट का नाम है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। तो हम अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा जो कॉन्सेप्ट है वो उस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, देखिए ये कॉन्सेप्ट एसिड बेस को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है, लेकिन इनके भी कुछ लिमिटेशंस हैं वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन इनके जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे जिससे हम किसी भी एसिड को और बेस को पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने आर्हेनियस ने बताया था कि जितने भी कोई भी सब्सटेंस होते हैं अगर वो एक्वस मीडियम में हो या वाटर में डिजॉल्व हो या एक्वस मीडियम में हो तो वो डोनेट करते हैं H प्लस, तो वो एसिड कहलाएंगे, और जो OH माइनस डोनेट करते हैं वो बेस कहलाएंगे। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि जैसे कि हम पहले कॉन्सेप्ट के एसिड के लिए देखते हैं, फोर एसिड के लिए, उसके बाद हम डिफाइन करेंगे डिफिनेशन लिख करके। पहले मैंने इसको एक्सप्लेन समझा दिया था। फॉर एसिड के लिए जो भी अगर कोई भी कंपाउंड हो अगर उसे एक्वस मीडियम में रखते हैं, एक्वस मीडियम मतलब वाटर में डिजॉल्व करके, तो वह एक्वस मीडियम में ले जाते हैं, जैसे H2O के फॉर्म में ले जाएंगे, H2O में इसको डिजॉल्व करेंगे। कोई भी सब्सटेंस को जब H2O में डिजॉल्व करते हैं और वो देते हैं H प्लस, क्या देंगे H प्लस। अब H प्लस कौन दे सकता है, जिसके पास H हो, जो जिसके पास H होंगे वो H प्लस देंगे और H प्लस के साथ एक प्लस, क्योंकि हम जितने भी पढ़ रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट एक बार ध्यान देंगे सभी के सभी आयनिक कंपाउंड से रिलेटेड है। सभी हम आयनिक कंपाउंड के बारे में जानेंगे और तो आयनिक कंपाउंड में हमारा एक केटायन होता है, एक एनायन होता है, ये हमें मालूम है। तो यहाँ पे अभी देखेंगे कि अब जो एसिड में एक H प्लस दिया तो दूसरे वाला जो इसका साइड होगा जो वो कौन सा होगा, वो माइनस में, और उस माइनस को हम बोलते हैं बेसिक एसिडिक रेडिकल। क्या बोलेंगे, एसिडिक रेडिकल। अगर कोई एसिड है तो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद H प्लस देगा और H प्लस के बाद जो भी होगा वो हमारा जो भी यहाँ पर फॉर्म होगा वो हमारा एसिडिक रेडिकल कहलाएगा और उसकी चार्ज जो होगी वो कैसे होगी, नेगेटिव। तो यानी हम आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि एसिड गिव्स H प्लस आयन इन एक्वस मीडियम। तो एसिड है वो एक्वस मीडियम में यानी वाटर में डिजॉल्व होने के बाद वो H प्लस आयन देता है और H प्लस आयन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन। कौन सा आयन, हाइड्रोजन आयन। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल से हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं कि एसिड है क्या। पहले एसिड के बारे में देखेंगे फिर उसके बाद बेस के बारे में। ये आर्हेनियस ने क्या बताया था, तो एग्जांपल में हम देख लेते हैं। सबसे पहले HCl, HCl एसिड है कि नहीं,
अगर इसे वाटर में H2O में यानी एक्वस मीडियम में ले जाते हैं HCl को, तो ये हमारा क्या दे सकता है H+। और हमारा एक एसिडिक रेडिकल आएगा और वो एसिडिक रेडिकल क्या होगा Cl-। उसी तरीका से हम अगर बोल सकते हैं HNO3 एक्वस मीडियम में हमारा ये क्या देगा H+ और NO3-। अगर कोई भी सब्सटेंस कोई भी कंपाउंड H+ देता है तो इसके पास चार्ज +1 है, तो यहाँ इसके पास +1 चार्ज है तो इसके पास क्या होगा -1। उसी तरीका से अगर हम H2SO4 की बात कर रहे हैं तो H2SO4 हमारा पार्शियली पूरी तरह से डिसोसिएट होगा, और पूरी तरह से डिसोसिएट होने के पास यहाँ पर सभी ये और ये दोनों एक एक H+ दे रहे थे, लेकिन ये जो यहाँ पे H की बेसिटी यानी H इनके पास दो है तो ये दो H+ देंगे, 2H+। एक H+ के लिए एक माइनस चार्ज, तो यहाँ 2H+ है तो यहाँ पर ये जो बचा SO4 यानी सल्फेट SO4 इसके पास 2-चार्ज। उसी तरीका से हम बोल सकते हैं एक और भी S3PO4, इसमें S3PO4 के लिए क्या होगा हमारा 3H+ और प्लस PO4 3-। उसके बाद भी हम देख सकते हैं और भी HClO4 के लिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पर H2O और हम क्या होगा H+ और ClO4-। यानी जितने भी एसिड होंगे वो अगर एक्वस मीडियम में आते हैं तो वो H+ देंगे, और जो H+ देगा वो एसिड कहलाएगा। यही है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट फॉर एसिड, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट फॉर एसिड। एक बात हमें गौर करने की यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि जितने भी अभी मैंने एसिड का एग्जाम्पल लिखा इसमें सभी के सभी नॉन मेटल हैं। ये भी नॉन मेटल, हाइड्रोजन क्लोरीन भी नॉन मेटल, HNO भी नॉन मेटल, HSO भी नॉन मेटल, HPO भी नॉन मेटल, HClO भी नॉन मेटल, सभी के सभी नॉन मेटल है। लेकिन तो इसके लिए एक सिंपल कॉन्सेप्ट आर्हेनियस के द्वारा निकलती है क्या नोट में, ऑल नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ऑल नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक नेचर। जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे सभी के सभी एसिडिक नेचर को शो करेंगे। चलिए हम कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं एसिडिक नेचर में कौन कौन से शो करते हैं उस एग्जांपल के द्वारा। जैसे हम बात करते हैं स्टील O2 नॉन मेटल और इसके ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये एक्वस मीडियम में जा रहे हैं, एक्वस मीडियम में जाएं या वाटर से रिएक्ट करवाएं, CO2 को वाटर से रिएक्ट करवाने के बाद हम ये क्या देखेंगे कि H2O और CO2 आपस में मिलकर क्या बनाएंगे H2CO3 कार्बोनिक एसिड। और H2CO3 अब जब ये डिसोसिएट होगा तो ये डिसोसिएट होने के बाद भी ये हमारे क्या देगा 2H+ और CO3 2-, ये हमारे क्या देगा 2H+ प्लस CO3 2-। उसी तरीका से हम ले सकते हैं SO3 प्लस H2O, हमारे क्या होगा H2SO4 और H2SO4 हमारा क्या होगा 2H+ डिसोसिएट होगा और SO4 2-। इसी तरीका से और भी जो नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं वो सब के सब जब हमें वाटर में एक्वस मीडियम में जाएंगे या वाटर से रिएक्ट करवाएंगे तो वो ही हमारा एसिड बन जाएगा, और एसिड बनने के बाद वो H+ डोनेट कर सकता है, और यही है हमारा आर्हेनियस कॉन्सेप्ट फॉर एसिड। अभी एक बात और, कुछ ऐसे भी हमारा नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं जो हमारा एसिडिक नेचर नहीं होते, जब एसिडिक नेचर नहीं है तो वो क्या है, वो एक न्यूट्रल कंपाउंड है। जैसे एग्जांपल में कौन कौन से, मैं एक्सेप्शन की बात कर रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को, कौन रूल को फॉलो नहीं करता उस एक्सेप्शन में, हमारा कौन है जो नॉन मेटल ऑक्साइड होने के बावजूद भी एसिडिक नेचर नहीं शो करते हैं। सबसे पहले CO कार्बन मोनोऑक्साइड, NO फिर N2O, ये सब ये जो तीनों हैं ये सब के सब हमारा न्यूट्रल ऑक्साइड है, न्यूट्रल ऑक्साइड। नॉन मेटल
नॉन मेटल ऑक्साइड हैं लेकिन ये न्यूट्रल। यहाँ पे नॉन मेटल के ऑक्साइड जितने भी होंगे वो सब के सब हमारा क्या होंगे, एसिडिक। तो यह नॉन मेटल के ऑक्साइड के लिए हम एग्जांपल भी लिख सकते हैं कौन नॉन मेटल के ऑक्साइड में, जैसे कि हमारा इसके लिए CO2, ये SO2, SO3, फिर P2O5, फिर हम बोल सकते हैं NO2, और फिर हम यहाँ पे और भी एग्जांपल ले सकते हैं जैसे P4O10, P4O10, P2O, P2O5 और P4O10 एक ही है, यानी जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं वो एसिडिक नेचर शो करेंगे इन सब को छोड़, इन तीनों को छोड़ कर। तो ये आरहेनियस कॉन्सेप्ट है। तो फिर से एक बार हम देख देते हैं कि एसिड बेस एंड सॉल्ट में एसिड होता क्या है। तो एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, ये तो लिटमस पेपर, ये तो ओल्ड कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक इसकी जानकारी है कि एसिड होता क्या है। लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को अलग अलग साइंटिस्ट ने बताया था एसिड के बारे में, बेस के बारे में। तो एसिड के बारे में हमें इसने क्या बताया था कि एसिड अगर एक्वस मीडियम में जाता है तो वो H+ डोनेट करता है, और H+ डोनेट करने के साथ उसके पास एक रेडिकल बचते हैं, उस रेडिकल को क्या बोलेंगे, एसिडिक रेडिकल। क्योंकि ये एसिड है, इसी के द्वारा हमें एक रेडिकल मिला, यानी एक चार्ज मिला, और वो चार्ज हमें क्या मिला, माइनस, और माइनस वाले को एसिडिक रेडिकल बोला गया, क्योंकि सभी प्लस वाले हाइड्रोजन ही होंगे इसमें। फिर HCl, जैसे एग्जाम्पल में HCl एक्वस मीडियम में गया, H+ CF और Cl-, अगर इनके पास अगर 3, यहाँ पर 3H है, 3H है, तो यहाँ पर 3H+ देंगे, 3 हाइड्रोजन आयन देंगे, और प्लस PO4 3-। एक बात और भी हम यहाँ पर थोड़ी सी बता देते हैं कि जो भी अगर एसिड जितनी मात्रा में, जितनी क्वांटिटी में नंबर ऑफ H+ देंगे उतनी उसकी बेसिसिटी होती है। बेसिसिटी हमारा इंडिकेट करता है, बेसिसिटी हमें बतलाता है कि वो कितना एसिडिक है। तो हम बात करेंगे ये HCl और HNO3 और H2SO4 में इसकी बेसिसिटी क्या है, इसकी बेसिसिटी कितनी है, नंबर ऑफ H+ आयन कितने हैं, 1, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 1। इसमें नंबर ऑफ H+ आयन क्या है HNO3 में, 1, इसलिए इसकी भी बेसिसिटी 1। H2SO4 की बात करेंगे, H2SO4 में H+ की H+ कितने नंबर ऑफ H+, 2, इसीलिए इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 2। तो बेसिसिटी नंबर ऑफ रिप्लेसिबल हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, यानी किसी भी एसिड से जितने नंबर ऑफ H+ आयन रिमूव होते हैं, रिप्लेस होते हैं, वो हमारा कहलाता है बेसिसिटी। तो इसकी बेसिसिटी की बात कर रहे हैं, तो इसकी बेसिसिटी हमारी क्या हो जाएगी, इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 1, इसकी बेसिसिटी 1, इसकी बेसिसिटी 2, इसकी बेसिसिटी 3, इसकी बेसिसिटी 1। तो बेसिसिटी हमारा नंबर ऑफ रिप्लेसिबल हाइड्रोजन, यानी जितनी नंबर ऑफ H+ आयन किसी भी एसिड से रिप्लेस होता है वो हमारा बेसिसिटी है। ये था आरहेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग फोर, ओनली फोर एसिड के लिए। अभी थोड़ा देर में हमें आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे बेस के लिए, आरहेनियस कॉन्सेप्ट के द्वारा बेस का क्या डिफिनेशन है। तब तक स्क्रीन शॉट लेट। हाँ, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग बेस के बारे में, आरएनएस कॉन्सेप्ट का फॉर बेस के लिए। तो अभी थोड़ा सा पहले हम लोग एसिड के बारे में जाने थे कि आरएनएस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड होता क्या है, अब हम बेस के बारे में जानेंगे कि बेस के डिफिनेशन को उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया था। तो अगर कोई बेस सब्सटेंस है, अगर वो एक्वस मीडियम में उसको रखते हैं या उसे वाटर में डिजॉल्व करते हैं, अगर कोई बेस सब्सटेंस है वो एक्वस मीडियम में ले जाते हैं या उसे वाटर में डिजॉल्व करते हैं, तो वो हमारा क्या देगा, OH-, यानी OH- को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड नहीं, हाइड्रोक्साइड आयन, यानी OH- देगा। तो अब उसके साथ जब ये माइनस में, हम जानते हैं कि ये सभी के सभी आयनिक कंपाउंड है, जब ये माइनस में, तो इसके साथ कोई ना कोई प्लस आयन भी हमें रिमूव होगा, इससे बाहर निकलेगा प्लस आयन भी, और उस प्लस आयन को हम बोलेंगे बेसिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल। जैसे एसिड के लिए एसिडिक रेडिकल था, उसी तरह से यहाँ बेस के लिए क्या होगा, बेसिक रेडिकल। और बेसिक रेडिकल का चार्ज कैसा होगा, सबके सब पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं आरहेनियस के अकॉर्डिंग कि कौन से ऐसे बेस है जो वो एक्वस मीडियम में हमें पॉजिटिव के चार्ज, यानी बेसिक रेडिकल के साथ साथ हाइड्रोक्सी आयन भी देते हैं। जैसे एग्जांपल में हम ले लेते हैं, सबसे सिंपल एग्जांपल NaOH,
जिसको हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको वाटर में यानी एक्वस मीडियम में ये हमारा क्या जाएगा Na प्लस, और Na प्लस हमारा क्या है बेसिक रेडिकल, और प्लस OH माइनस हाइड्रोक्साइड माइनस। उसी तरीका से KOH की बात कर रहे हैं, KOH भी हमारा क्या जाएगा एक्वस मीडियम में K प्लस और प्लस OH माइनस। उसी तरीका से MgOH होल ट्वाइस की बात कर रहे हैं, तो MgOH होल ट्वाइस एक्वस मीडियम में, तो Mg इसके पास अभी देख लेते हैं यहाँ पे 2OH है, दो हाइड्रोक्साइड आयन है, तो हम देखेंगे 2OH माइनस। अब 2OH माइनस के लिए एक OH माइनस के लिए एक प्लस, 2OH माइनस के लिए हमारे कितना प्लस हो रहा 2 प्लस चार, मैग्नीशियम के पास प्लस 2। उसी तरीका से हम बात करेंगे CaOH होल ट्वाइस, और CaOH होल ट्वाइस के लिए हमारा क्या होगा Ca प्लस प्लस और 2OH माइनस। इसी तरीका से ZnOH होल ट्वाइस और ZnOH होल ट्वाइस के लिए भी हम बात करेंगे Zn प्लस प्लस और 2OH माइनस। तो ये सभी जितने भी बेस हैं वो एक्वस मीडियम में या वाटर में डिजॉल्व होने पर हमें हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, और उसके साथ साथ हमारा बेसिक रेडिकल भी होता है। ये आर्हेनियस के यही मेथड को, इसी कॉन्सेप्ट को आर्हेनियस ने बेस के लिए एक्सप्लेन किया था। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो भी बेस होते हैं एक्वस मीडियम में OH माइनस देते हैं। एक कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे इतने देखने के बाद, एक रिजल्ट हमें देखने को यहाँ पर मिलती है, एक कॉन्सेप्ट हमें एक नोट देखने को मिलता है, इसमें सभी के सभी जो भी बेस हैं वो सभी के सभी मेटल है, और मेटल के हाइड्रोक्साइड है, और मेटल का हाइड्रोक्साइड कब बनता है मेटल के ऑक्साइड से। तो यानी हम बोल सकते हैं कि जितने भी मेटल के ऑक्साइड हैं सभी के सभी कैसे नेचर के होंगे, बेसिक नेचर शो करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, नोट में हम लिख सकते हैं क्या, ऑल मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, ऑल मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। सभी मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। तो अभी देखते हैं कि बेसिक नेचर के होते हैं कैसे, जितने भी सभी एग्जांपल में हम बात कर रहे हैं Na, जहाँ पे इनके एग्जांपल लेकर चलते हैं मेटल के ऑक्साइड, जैसे मेटल के ऑक्साइड में हमारा Na2O ये मेटल के ऑक्साइड है। अगर इसको एक्वस वाटर से रिएक्शन करवाएंगे, जैसे कि हम लोगों ने नॉन मेटल के ऑक्साइड को रिएक्शन करवाया तो एसिड बनाता है, इसी तरीका से Na2O को अगर हम वाटर से रिएक्शन करवाते हैं H2O से, तो हमारा ये बनेगा NaOH। जो हमें सिर्फ फॉर्म होता है उसी को हम सिर्फ लिख रहे हैं। उसी तरीका से CaO और वाटर के एक्वस मीडियम में ले जाते हैं इसको, या वाटर के में डिजॉल्व करते हैं, वाटर से रिएक्ट करवाते हैं, तो हमारा क्या बनेगा CaOH होल ट्वाइस सभी बेस। उसी तरीका से एक ZnO, ZnO को भी लिख सकते हैं, तो यहाँ H2O के साथ हमारा बनेगा ZnOH होल ट्वाइस। उसी तरीका से हम बात करेंगे FeO और H2O के प्रेजेंस में ले जाते हैं, तो हमारा क्या होगा FeOH होल ट्वाइस। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जितने भी मेटल के ऑक्साइड हैं वो बेसिक नेचर के हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल के ऑक्साइड हैं जो हमारा बेसिक नेचर के नहीं हैं, यानी एक्सेप्शन में आते हैं, कुछ बेसिक नेचर के नहीं भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो हमारा एसिड और बेसिक, एसिड और बेसिक दोनों नेचर को फॉलो करते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन एक्सेप्शन की बात करते हैं, इसके एक्सेप्शन में कौन से हैं। इसके यहाँ एक्सेप्शन को देखते हैं कि मेटल के ऑक्साइड जो भी हैं वो हमारा बेसिक नेचर के शो नहीं करते हैं। कौन कौन से हैं, जैसे V2O5, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, CrO3, और फिर आते हैं Mn2O7। ये सभी के सभी मेटल ऑक्साइड हैं, लेकिन ये सभी के सभी मेटल ऑक्साइड होने के बावजूद भी ये हमारा बेसिक नेचर शो नहीं करते हैं। तो क्या शो करते हैं, ये एसिडिक नेचर को शो करते हैं। यहाँ बात ध्यान देंगे कि मेटल ऑक्साइड होने के बावजूद भी एसिडिक नेचर को शो करते हैं, यानी एसिडिक मेटल ऑक्साइड। उसी तरीका से एक और एग्जांपल में बात करते हैं, जैसे ZnO, PbO, HNO, BeO, इसके साथ साथ Al2O3 और Ga2O3 एक्सेट्रा। ये सभी के सभी हमारा मेटल ऑक्साइड हैं, और मेटल ऑक्साइड होने के बावजूद ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक नेचर नहीं शो करते, ये एसिडिक नेचर भी शो करते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है एम्फोटेरिक
ऑक्साइड। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मीनिंग क्या होता है कि एसिड एज वेल एज बेस, यानी जो भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिड होने के साथ साथ बेस भी होते हैं। जैसे ये ZnO को मैंने एक्वस मीडियम में ले गया तो ये हमारा क्या होगा ZnOH2, यानी यहाँ पर बेसिक नेचर शो किए और ये एसिडिक नेचर भी शो करते हैं, इसीलिए इसको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो एक बात और भी हम देख लेते हैं इस कॉन्सेप्ट के द्वारा, यानी आरहेनियस कॉन्सेप्ट के द्वारा अभी हम लोगों ने बेस के बारे में जाना कि बेस होता क्या है। बेस एक्वस मीडियम में OH माइनस देता है और सभी के सभी जितने भी बेस होते हैं सब मैक्सिमम जनरली हमारा मेटल के ऑक्साइड होते हैं, और कुछ मेटल के ऑक्साइड जो है हमारा एसिडिक नेचर भी शो करता है और हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी होता है। तब तक के लिए यहाँ स्क्रीन शॉट ले लें और नेक्स्ट उसके बाद। हाँ, अब आरहेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अब हम लोग हम देखेंगे कि उन्होंने इस एसिड और बेस को किस तरह से डिफिनेशन दिया, किस तरह से डिफाइन किया। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एसिड्स आर कंपाउंड विच गिव्स H+ इन एक्वस मीडियम, यानी जो भी एसिड होंगे वो हमें H+ आयन देंगे किस मीडियम में, एक्वस मीडियम में। यहाँ एक्वस मीडियम की बात कर रहे हैं तभी वो H+ देंगे। व्हाइल बेसिस आर कंपाउंड विच गिव्स OH- इन एक्वस मीडियम, बेस जो होंगे वो हमारे क्या देंगे OH- यानी हाइड्रोक्साइड माइनस। एक बात और भी, द कॉम्बिनेशन ऑफ H+ एंड OH- इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन, यानी उन्होंने एक चीज और बताया कि जो H+ और OH- के जो कॉम्बिनेशन होता है उस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। यानी उन्होंने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का डिफिनेशन भी उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। तो देखते हैं क्या कि अगर कोई एसिड है, एसिड कोई कंपाउंड है, वो अगर एक्वस मीडियम में जा रहा है H2O के फॉर्म में एक्वस मीडियम में जाएगा तो वो हमारा क्या देगा, इसके साथ साथ हमारा H+ और उसके साथ क्या देगा, एसिडिक रेडिकल। और अभी हमने देखा अगर कोई बेस है और बेस अगर वाटर में डिजॉल्व करते हैं या एक्वस मीडियम में जा रहे हैं तो हमारा क्या देगा, बेसिक रेडिकल और साथ में हमारा प्लस OH-। अगर उन दोनों का जब आपस में कंबाइन करेंगे कॉम्बिनेशन होगा H+ और OH-, यानी H+ और OH- का कॉम्बिनेशन हो रहा है उसी तरीका से हम एसिड बेस का, जब एसिड बेस आपस में मिलेंगे तो हमारा क्या होगा, एसिड प्लस बेस। हम इसको लिख सकते हैं एसिड प्लस बेस, और एसिड प्लस बेस अगर आपस में मिलने के बाद क्या देंगे, H+ और OH-। H+ और OH- आपस में मिलकर हमारा क्या बनाएंगे, वाटर। H+ और OH- आपस में मिलकर हमारा क्या बनाएंगे, वाटर। यहाँ पर प्लस हम H2O और यहाँ देखेंगे एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल के लिए हम पहले बताएं ये निगेटिव चार्ज और इसके पास पॉजिटिव चार्ज, और ये जो भी निगेटिव चार्ज वाले होंगे वो सब के सब हमारे क्या होंगे, एनायन, और ये होंगे केटायन। यानी एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल के मिलने से, यानी पॉजिटिव और निगेटिव आपस में मिलने से एक नया कंपाउंड बनता है, उसे हम बोलते हैं सॉल्ट। और यहाँ पर क्या बनेंगे, सॉल्ट। और इसी रिएक्शन को जब एसिड और बेस आपस में मिलकर सॉल्ट एंड वाटर देते हैं, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे पॉसिबल है, जब एसिड बेस आपस में कंबाइन करके सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं। जैसे एग्जांपल में हम देख लेते हैं, कोई एक एसिड ले लिए, जैसे एसिड के लिए हम HCl जो कॉमन एग्जांपल है HCl ले लिए, और उसके साथ NaOH हमने बेस ले लिया, और आपस में कॉम्बिनेशन कैसे, क्योंकि एसिड है ये क्या देंगे हमें, H+ आयन, और ये बेस ये हमें क्या देगा, OH-, और H+ OH- आपस में मिलकर ये क्या बनाएंगे, वाटर यानी H2O। और साथ में हम बात कर रहे हैं इनके साथ H+ तो यहाँ बाहर निकल गया, H+ हमारा ये एसिड है तो H+ दिया तो बचा क्या, Cl-, और यहाँ पर क्या बचा, Na+। और Na+ और Cl- क्रिस क्रॉस मेथड से हम देख सकते हैं, यहाँ 1, इनके पास +1 चार्ज है, इनके पास -1 है, और यहाँ पर 1, तो ये क्या बनाएंगे, दोनों आपस में मिलकर 1-1, तो ये क्या होगा, NaCl, और ये हमारा क्या होगा, सॉल्ट। तो यही बात है कि जो भी एसिड और बेस आपस में मिलकर अगर सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं या प्रोडक्ट बनाते हैं वो सब के सब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। यानी हम एसिड आरहेनियस कॉन्सेप्ट के द्वारा सिर्फ एसिड और बेस को ही नहीं, हम यहाँ पर सॉल्ट और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को भी समझ सकते हैं। यही हमारा था आरहेनियस कॉन्सेप्ट।
इसके द्वारा जो भी हमें आगे पढ़ना है हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ते हैं, तब तक के लिए स्क्रीनशॉट।